This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। काराकाट लोकसभा सीट पर 1 जून को सातवें चरण में वोटिंग है। यहां से पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। अब पवन सिंह पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज निकले वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अंकित गोयल बताया जा रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लोग, खासकर नौजवान तबका, बीजेपी से बहुत नाराज हैं और वे अपनी नाराजगी का जवाब वोट से देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आप नेता आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली वालों को परेशान और सरकार को बदनाम करने के लिए हरियाणा ने दिल्ली का पानी रुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारों का विरोध करके सत्ता में आई केजरीवाल की पार्टी आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश की 79 सीटें जीत ली हैं। शायद हम सातवें चरण तक सभी 80 सीटें जीत लेंगे। नेपाल की कामी रीता शेरपा ने आज सुबह रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये जानकारी नेपाल सरकार के एक अधिकारी ने दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की आपराधिक अपील पर आज भी सुनवाई करेगा। अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के तहत एक मामले में सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। देहरादून में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाली ट्रैवल्स कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश में अस्थायी चेकिंग केंद्र पर एसएसपी के साथ आला अधिकारी कर यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में दो बच्चों की हत्या के मामले में उनकी मौसी समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इनमें से एक महिला की बीमारी का तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने के लिए दोनों बच्चे की हत्या की गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक गलती की है। हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। नाइजीरिया के उत्तर मध्य पठारी राज्य के जुरा गांव बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। या पहले भी इस तरह की घटना देखने को मिल चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के उसरी पुल के निकट एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी की। पुणे के हिट एंड रन मामले में आज नाबालिग आरोपी की पेशी हो सकती है। इसी बीच आरोपी परिवार के अंडरवर्ल्ड से भी संबंध होने का पता चला है। पुणे में पोस्टर कार हादसे मामले में एनसीपी नेता की पत्नी का एक पोस्ट वायरल हो गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सोनाली तनपुरे ने कई गंभीर आरोप लगा है। महाराष्ट्र के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से आज के आंकड़ों के अनुसार कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस केस में अब जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से एक और व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के इंदापुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक नाव भीमा नदी में डूब गई है। अभी तक 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक शख्स की जान बच पाई है। अन्ना हजारे ने कहा कि शरद पवार 12 साल बाद जागे हैं। आज अचानक शरद पवार की नींद क्यों खुली मुझे पता नहीं है। मैं कभी किसी पार्टी को लेकर टिप्पणी नहीं करता हूँ। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 2015 में भी एलिमिनेटर हुआ था। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।